हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ काम होते रहता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ वीडियो। और आजकल है ठंडियों के दिन, तो मम्मी और मैं बैठे थे, तो ठंडियों के दिन में जैसे कि खाना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज हमने बनाया हलवा। ये रहा मजाक कर रही हूँ, ये है मेहंदी। आज मैं लगवाने वाली हूँ मम्मी से मेरे सर में मेहंदी। धूप तो आई है लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, ठंडा तो बहुत होने वाला है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे बाद में। मैंने मम्मी को बोल दिया है मेहंदी लगाने के लिए। मम्मी बोल रही है मेरे बस का तो नहीं है, अपने बालों में तो लगा लेती थी और मैं भी लगा देती थी, अब मुझे लग नहीं रहा मम्मी का मन है करके, देखते हैं क्या होता है। बता भी दिया कैसे लगाना है, फिर भी मम्मी गलत वही यूज कर रही है। अब मैं एक साथ पकड़ के ये बीच वाले यहाँ पर वाले पकड़ते हैं सबसे पहले। ये ग्लव्स लेके आई थी मैं, खोल भी दिए थे मैंने, वो बहुत जोर से पूरे यहाँ तक, हाँ नीचे तक पूरा, तभी तो कलर आएगा। हाय राम, दर्द हो रही है अंदर अंदर की, तो ऐसी है यार। लगाया नहीं है इसमें तो नीचे तक, इतनी मेहंदी से क्या होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लेके ऐसे ऐसे करके वो करना, तभी दूसरा वाला चिपक चिपक पाएगा उसमें। आप कहाँ से लगा, यहाँ पर चिप तेरे हाथ में लगेगा, तो पीछे हो गया। अब उसमें कहाँ लगेगा, वो पीछे हो गया। जो पास में है पास वाले हिस्से को पकड़ लो, फिर आपको भी बोलना पड़ेगा वीडियो में करके देखते हैं कैसे होता है, कैसे फिल्म आती है मुझ पर। अगर किसी और को भी लगवानी है तो मम्मी को बुला लेना, मम्मी खाली है लगाने के लिए। खाली है, खाली खाली में इतने काम पड़े हैं, एक लड़की कॉफ़ी भिगा के गई एक बाल्टी में, तबियत खराब कर बैठने में टाइम नहीं मिलता है। तो आके खुद धोएगी, तो आएगी कब धोएगी, कब सूखी धोएगी, कल धोएगी आज नहीं धोएगी। तो मेहंदी कम पड़ने वाली है इसलिए मैं जा रही हूँ भिगाने के लिए मेहंदी। वैसे तो मेहंदी 2-3 घंटे के लिए भिगानी होती है, लेकिन अब थोड़े पीछे के बाल बच जाएंगे इसलिए मैं उसको ऐसे ही भिगा देती हूँ, 5-10 मिनट में लग जाएगी। ऐसे लग रही हूँ मैं आधे अधूरे बालों के साथ। मैंने बस इतना सा बचा दिया था क्योंकि उस समय मुझे अगर ये बर्तन नहीं मिला होता तो मैं पूरा भिगा देती, तो वो बर्तन ही छोटा था इस वजह से मैंने, तो इसलिए बर्तन धोता जाता है नहीं भिगाया, उड़ा भी जाता था। हाथों में तो कलर बहुत अच्छा आ गया अभी से। कितने प्यारे लग रहे हैं ये हाथ, मुझे मेहंदी लगाने बहुत अच्छा लगता है हाथ लाल करने, तो ऐसे हाथ ऐसे बट आज बिना डिजाइन के पूरे हाथ मेरे लाल हो चुके हैं, उसमें भी इतनी खुशी। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चे मेरे हाथ बटाते नहीं, मेरे बहुत सारे काम। आवाज़ नहीं आ रही जो भी बोल रहे हो, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। गाइड मेरे हाथ मेहंदी लगाने के साथ साथ मेरे हाथ भी लाल हो चुके, मुझे ये हाथे बहुत अच्छे लगते हैं हाथे।
मेरे हाथ खुद लाल हो चुके पूरे के पूरे, कोई बिना डिजाइन के। पानी डालो इतनी मेरी मुझे बहुत खुशी है। थोड़ा सा मेहंदी मेरी लग चुकी है और जो काम पार्लर वाले एक घंटा लगाते कर रहे हैं, मम्मी ने आराम से आधा घंटा भी किया उससे कम में निपटा दिया होगा। तो आपको भी लगवाना होगा तो दो डॉग भी लगाई है, बताओ आप ही बताओ कितना टाइम लगा। दो डॉग एक खत्म हो गए फिर से भिगाते थे, कैसे भिगाते थे अपने बालों में लगा रखा है मैंने, वो कर रही थी तो हाथ पूछ के लगाया, मैं कहा बर्बाद ना करूँ तो ट्राई करूँगा मेरे बाल में कैसे लगेंगे, मैं हमेशा काले लगाती हूँ। टाइम की बचत करने के चक्कर में मम्मी ने पहले से, तो मम्मी भी यही वाली मेहंदी लगाती थी पर टाइम की बचत करने के चक्कर में मम्मी वो लगाने लग गई जो शैम्पू नहीं आता है ब्लैक वाला शैम्पू आता है उसको जल्दी से आराम से 5 मिनट में लगाया लगेगी जरा। अब थोड़ी देर धूप में बैठते हैं आराम से, फिर 1 घंटे बाद मुझे बाल भी धोने। तो लगाया तो मम्मी ने अच्छे से ही है, अभी मैं अंदर आके देख रही हूँ, बाहर मुझे दिख नहीं पा रहा था धूप में। अब इसमें मैं लगा ली थी पन्नी, पन्नी लगा दी मैंने कान में ऐसे अटका ली, उड़ेगी भी नहीं। इसी अच्छे बच्चों के पास ये मम्मी होती तो ये मम्मी आज महारानी बनी रहती है, महारानी विक्टोरिया। बच्चे ऐसे हो गए तो मम्मी भी कुछ थोड़ा वो हो गया, पहले बहुत अच्छी थी गाइस में, तो ये बच्चों के साथ रह रह के बोल बोल के मेरा गला भी ख़राब हो चुका है। हाँ देखो मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो ये ऐसे हाथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे हाथ ये डिजाइन वाले। अब मम्मी के शादी के दिन मम्मी के हाथों में ऐसी वाली मेहंदी लगाएंगे, मम्मी को ऐसे ही अच्छे लगते हैं बोला ना मम्मी ने। अब मम्मी के बच्चे भी ऐसे ही हुए तो ऐसे ही करेंगे मम्मी के साथ। मम्मी के तो कितना काम कर दो, मम्मी का आखिरी में फिर भी यही आता है कि मेरे बच्चे कुछ काम ही नहीं करते। अब बैठ जाओ आराम से धूप में। तो गाइस मम्मी सीखने लग गई है डांस, ये सारा बिस्तर ये मैं सोचता हूँ हमारा फैला ये वाइफी का है। गाना नहीं है। मम्मी सीखने लग गई डांस अब प्रैक्टिस ये। अभी मैंने तो सीखा ही नहीं है, अभी मेरी बड़ी मुश्किल से तो गाने सिलेक्ट हो रखे हैं, अब सीखना स्टार्ट करूँगी। सीखना क्या है ऐसे ही बस एक दो दिन करो हो गया। मम्मी के साथ साथ मुझे भी डांस करना पड़ गया, अब थकाई लगती है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर और धूप में बैठती हूँ, फिर बालों को धोती हूँ जल्दी से, फिर कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। अब मैंने अपने बालों को धो लिया है और इनका कलर सेम वैसे आया जैसा मैं सोच रही थी, तो अब मैं शादी से पहले एक बार और लगा लूँगी जनवरी के टाइम पे मेहंदी। चलो ये वाला काम भी मेरा हो गया, अब धीरे धीरे सारे ऐसे ही सारे काम हो जाएँ तो फिर ठीक है। तो अभी मैं अपने बालों का कलर दिखाने के लिए मम्मी को आई थी, क्या बोल रही मैं, तो अभी मैं अपने बालों का कलर दिखाने के लिए आई थी मम्मी को, और मम्मी बोल रही है तेरे बाल सेम टू सेम गैया की जैसे हो रहे हैं। उसके सही में सेम वैसे ही है, अभी वो बाहर होती तो मैं आपको दिखाती, उसके बाल भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं, थोड़े से ब्लैक थोड़े से ब्राउन थोड़े रेड थोड़े बर्गंडी कलर। हे ना मौछी, हे ना मिनी मौछी। तो आपको मैं दिन में दिखाऊंगी हम दोनों के बाल सेम टू सेम हो रहे हैं। ये देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इसके सूखे हुए 2-4 पत्ते निकाल दिए जाए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बूढ़ा हो गया बेचारा, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं ये सारे। अब वाइटी मुझसे बोल रहा है खेलने के लिए, तो थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। चाह तो रहा है कि हम इसके साथ खेलें, पहले अकेले ही खेल रहे हैं और अगर इसको थोड़ा सा इग्नोर करते तो उसके बाद चाह रहा है कि अब मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं। बहुत चालू हो रहे, बहुत चालू है, अब नहीं खेल रही मैं, निकल लो कितनी हो रही है।
चीटिंग करता है, वाइटी चीटिंग खोल रही है, चीटिंग खोल। ओ मेरे बालों का कलर अच्छा लग रहा है ना, पहले से करना चाहिए था मुझे मेहंदी, पर मुझे आलस आता था। आलस क्या आता था, मतलब कौन लगाएगा, अभी तो शादी के चक्कर में मम्मी ने लगा दिया, नहीं तो मम्मी लगाने से नहीं मेरे बालों में मेहंदी। आजकल मेरा क्या काम चल रहा है मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, वो रहा ये। तो आजकल मेरा काम चल रहा है मंदिर लिखने का, जिसमें से एक दिन लगा मुझे ये बनाने में, ऊपर की सिर्फ लाइन है, दूसरे दिन में मैंने ये बनाया ऊपर की चौकी और नीचे ये लाइनिंग करी है, मतलब तीन दिन लग गए थे इन सबको पूरा करने में। अब आज मैंने सिर्फ यही बना रखा है, इसकी बॉर्डर बना रखा है। अभी थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा रात में खाना खाने के बाद भी बनाती हूँ, और कल दीपू का भी बनाने का मन कर गया था तो उसने भी थोड़ा सा बनाया है। ये थोड़ी लाइनिंग करी है और ये वाले एप्पल, ये लाइन सारे इसी ने बना रखे हैं। बोल रही थी कि इस चौकी में वही बनाएगी करके, लेकिन उसके आने तक मैं पहले ऊपर मेन वाले में बना देती हूँ, बाकी नीचे अपने आप वो खुद बनाती है, नहीं तो वो अच्छा नहीं बनाएगी, फिर मुझे दोबारा से पेंट लगाना पड़ेगा उसमें लाल। इससे बढ़िया उसके आने तक मैं ऊपर वाली ये चौकी को बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो जो ये बॉर्डर है ये बन गया है, तो अभी गीला मेरा हाथ में लग जाएगा, ये तो कल सूखेगा, उसी के बाद मैं कर पाऊँगी। तो शाम को आकर वो अपने आप इनमें लाइन करेगी, मैं तब तक ये बना लेती हूँ। और इसमें मेरी कोई मदद करने वाला भी है नहीं, जो भी जिनके वहाँ मैं जाती थी बनाने के लिए, बोल तो दिया था सबसे, लेकिन कोई कह रहा है मुझे ये काम है, कोई कह रहा है ये काम, यहाँ आने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, मैं तो खुद ही बना लूँगी। और यहाँ पे उजाला भी नहीं हो रहा है इसलिए मैंने, मतलब लाइट तो ऑन है लेकिन उजाला नहीं हो रहा है, इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑन किया फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट की हेल्प से मैं वीडियो बना रही हूँ अभी।